प्री लेवल से एक बहुत अच्छा कूल ऑफ और लग रहा था कि हम बाईस हजार को टेस्ट करेंगे कोशिश तो कर रहा है कि बाईस एक सौ के आसपास पास टिक जाए बाजार कोई मेहरबानी हुई तो टिक जाएंगे अदरवाइज एज ए इंडेक्स एनलिस्ट और ट्रेडर दोनों के तौर पे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं मैं बताऊं और सिर्फ मेरे को चीज एक समझ में आ रही है कि और या फिर बेस दोनों के लिए एक निर्णायक स्थिति है ट्वेंटी डे एक्सपरियंस सुबह भी हजतः मैं आई थिंक अपनी सारी कमेंट्री से पहले आपको यही कह रहा था आशीष सनीर जी से कि एक पार्टिसिपेंट एक जो है वो सेल मोड में है कम्प्लीटली सेल मोड में विद कैश कैश शेरिंग कर रहा है इंडेक्स बेच रहा है स्टॉक फ्यूचर बेच रहा है लॉन्ग लिक्विडेट कर रहा है शॉर्ट कर रहा है विक्स फिर से फिर अगर आप देखें आ, स्प, ए, स्पाइक आया है विक्स में आज तक मेरा सुबह का क्लियर कट व्यू था टिल द टाइम हम बाईस तीन सौ पाँच के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहे हैं इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज द मूवमेंट आपको सौ पॉइंट का फुल बैक मिल रहा था द मूमेंट डेस्टेंस में लिख आइए प्लीज़ जरा जैसे ही आप ये दो सौ सतहत्तर की और तीन सौ पाँच की ट्रोजेक्ट्री छोड़ दें शॉर्ट चले जाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है और अब क्या है हर्षदा अगर मैंने उस शॉर्ट की कल्पना की थी कि मैं शॉर्ट करूंगा जैसे ये ये तीस पॉइंट टूटेंगे तो मैं अगर लॉन्ग का थॉट रखना होगा तो कहाँ रखूंगा बाईस हज़ार अस्सी बाईस एक सौ उनतालीस ये मेरा बेस बन था एक बार उस बेस से पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है ये पुल बैक एक बार आया था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि ग्यारह उनतालीस पे उसके बाद एक पुल बैक अभी अभी करीब करीब पौने दो बजे के आसपास आया मैं एक बार जरा आपको स्टेटस दिखाता हूँ हर्ज आप खुद ही जज कीजिएगा यहाँ पे पो पिछले एक हफ्ते से बार बार ट्रैप हो रहे हैं स्पेशली क्लोजर टू ट्वेंटी डे माँ दो तीन बार ट्रैप हो चुके हैं कल भी ट्रैप हुए और आज भी एक्सपायरी डे के लिए ट्रैप हुए हैं आज इंट्रा में बाईस एक सौ पे पुट राइटिंग थी कल बाईस एक सौ पे पुट राइटिंग थी बाईस दो सौ रे पोट राइटिंग थी आज आप देखिए हर्षदा अब करीब करीब बाईस हज़ार की पुट में दो करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई है और स्टिल मैं इस वॉलिटिलिटी में ये नहीं कह सकता कि यह बाईस हज़ार भी बचेगा कि नहीं बचेगा ये बाईस हज़ार पचास बाईस हज़ार अगर सिक्योर रह गया तो ठीक है अदरवाइज़ ये ब्रीच हुआ तो पेन इस क्लोजिंग में और बढ़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ मतलब अस्सी नब्बे पॉइंट बाईस हज़ार के नीचे भी साफ़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ये डेटा इस प्रकार का है कॉल राइटर्स पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और मेरी जो ट्रेड की थीम है अभी भी कह रहा हूँ हर्ष वो इस डिजिक्ट्री में नहीं है मेरी ट्रेड की थीम है हायर डिजिक्ट्रीज में यानी बाईस दो सौ पचास दो सौ सत्तर टिल द टाइम आप बाईस तीन सौ की रिजेक्ट्री को फॉरिन ट्वेंटी डेमा को कॉलेटर्स के जोन को नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं तब तक इट विल बी अ एंड राइस निफ्टी बैंक को आपकी स्क्रीन पर रखिएगा क्या बात सुबह हमने की थी आपकी स्क्रीन पर आएगा निफ्टी बैंक और वो रिजेक्ट्री फोटी सेवन नाइन सेवन सेवन और अड़तालीस हज़ार अड़तालीस ये जोन जब तक नहीं बायसे हो रहा है आपके पास लीडरशिप क्राइसिस है आपका एच बैंक सिंक हो रहा था कल तक हालांकि वो आज थोड़ा डिफरेंट मूड में था लेकिन जैसे ही वो पहला रेजिस्टेंस फेल हुआ आज हर्षता सनराइज ने काम किया अभी हम सैंतालीस चार सौ अट्ठावन पे ट्रेड कर रहे हैं ये याद रखेगा निफ्टी बैंक की एक्सपायरी डे नहीं है इट्स ओनली आई थिंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है निफ्टी बैंक अगर तीन के नीचे स्लिप होता है सैंतालीस तीन के नीचे तो इस क्लोजिंग में पेन ऑन बढ़ेगा मैं हर्षता चाहे भले ही इस क्लोजिंग में कुछ भी हो जाए लॉन्ग का इच्छुक नहीं हूँ एज ऑफ नाउ मेरे लिए सैंतालीस आठ सौ अड़तालीस हज़ार मेरे लिए निफ्टी पर बाईस तीन सौ अभी सेल की ट्रज्री है हर्ज नॉट इंटरेस्टेड लॉन्ग एट ऑल एज ऑफ नाउ हजतः ओके तो ये फ़िलहाल आपके लिए आ, वो आ,